कार्यकर्ताओं द्वारा करनाल मानव सेवा संघ के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट को चुनावी बजट बताया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह बजट आम आदमी की कमर तोड़ने वाला बजट है, जिसमें ना तो किसानों के लिए कोई राहत दी गई है और ना ही किसी अन्य वर्ग को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन पिछले 65 से 70 दिन से चल रहा है, उसके लिए कोई भी समाधान हेतु एक भी योजना सरकार द्वारा नहीं लाई गई है, जिससे यह साबित होता है कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। आम आदमी पार्टी उत्तरी जोन के अध्यक्ष बाल किशन कौशिक ने इस मौके पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन को समर्थन करती है और आगामी 6 फरवरी को होने वाले किसानों के देशव्यापी चक्का जाम में पूर्ण समर्थन के साथ भागीदारी निभाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ पूंजीपतियों को राहत देने वाला बजट है, जिससे आम आदमी व मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में हरियाणा में जो पंचायती चुनाव होने जा रहे हैं, उनको आम आदमी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने की कोशिश करेगी, जिसके चलते अभी से संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस मौके पर बालकृष्ण कौशिक ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश हित में और कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दिल्ली में चहुमुखी विकास कर रहे हैं। इस बजट को उन्होंने जुमलेदार बजट की संज्ञा भी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। योजन है, एक तो प्रयोजन हमारा यह है कि कल जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है और उसके अंदर कहा कि स्वास्थ्य और विकास थीम है इसका, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट के दिल में गांव बसता है, ये दोनों बातें सरासर गलत है। अगर इस बजट की गंभीर रूप से विवेचना की जाए तो एक बात स्पष्ट ये होती है कि इस बजट के अंदर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम किसानों की बात लें सबसे पहले, तो किसान और किसानियत खत्म होने की ओर जा रही है। 2 महीने से किसान बॉर्डर्स पर बैठे हैं ठंड में, सैकड़ों किसानों की शहादत हो चुकी है, परंतु आज तक सरकार ने इस बजट के अंदर भी ये तो कहा कि 1.5 गुना इनकम बढ़ाएंगे किसान की, फार्मूला क्या होगा कोई जिक्र नहीं है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अंदर टोटल लागत का 50% यानी लाभ किसान को मिलना चाहिए, MSP तब ठीक ढंग से निर्धारण उसका होता है। हरियाणा के अंदर खेती का जो बजट था 6% कम कर दिया, जो किसान कल्याण निधि थी उसको 13% कम कर दिया, 75,000 करोड़ से लेके उसको 65,000 करोड़ कर दिया, और वो 1.8 थी पहले 1.54 थी। तो इस प्रकार के कार्यों से और हरियाणा का अनदेखी की गई, ये बजट चुनावी बजट था, उन्हीं राज्यों को राजमार्ग दिए गए बड़े बड़े जिनके अंदर चुनाव होने जा रहा है। सर, एक हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव, तो उसके बारे हरियाणा के अंदर हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले चुका है कि जिला परिषद, ब्लॉक समिति और पंचायत के चुनाव को पार्टी हर हाल में बड़ी शिद्दत के साथ लड़ेगी। हम गांव-गांव घूम रहे हैं, कैंडिडेट्स को तैयार कर रहे हैं और लोगों के अंदर ये प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि प्रजातंत्र का आरंभ पंचायत से होता है। तो किस तरह की तैयारी करते हैं? तैयारी हम कैंडिडेट्स बता रहे हैं, फाइट करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार करेंगे, दिल्ली मॉडल क्या है लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।